संभोग से समाधि की ओर। दोस्तों, क्या आपको भी प्राचीन धरोहरों को देखने और जानने की इच्छा है, जहां अर्ध है, काम है, धर्म है और मोक्ष भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनी वर्मा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं ओडिशा की कोणार्क मंदिर की एक रोमांचकारी यात्रा पर। मैं और हमारे ढेर सारे मित्र निकल पड़े मन में ढेर सारी जानने की इच्छाओं को लेकर कोणार्क की यात्रा पर। अद्भुत स्थापत्य कला की वजह से कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सन 1984 में शामिल किया। इसके प्रवेश द्वार पर शेरों द्वारा हाथियों के विनाश का दृश्य अंकित किया गया है। इसमें शेर अहंकार और हाथी धन का प्रतीक है। मंदिर के पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं। इनकी छाया में समय का अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा, जहां पर भारतीय, सार्क देश और बिम्सटेक संगठन देशों के लिए प्रति व्यक्ति 40 रुपये का टिकट लगेगा तथा विदेशी नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति 600 रुपये का टिकट लगेगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट दर नहीं लिया जाता है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर www.asi.nic.in पर जाकर भी ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जिसके बाद आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ओडिशा में पुरी जिले से लगभग 23 मील की दूरी पर चंद्रभागा नदी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसकी कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। इसकी संरचना इस प्रकार है कि रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। सूर्य का उदयकाल मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई लाल नारंगी रंग का बड़ा सा गोला शिखर के चारों ओर अपने किरणें बिखेर रहा है। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर का मुख पूर्व में उगते हुए सूर्य की ओर है और इसके तीन प्रधान हिस्से एक ही सिद में है। सबसे पहले नाट मंडप में प्रवेश द्वार है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। यहाँ अलग अलग मुद्राओं में हाथियों की सजीव आकृतियां मौजूद हैं। इसके अलावा कई देवी देवताओं, गंधर्व, नाग, किन्नर और अप्सराओं के चित्र नक्काशी से तैयार किए गए हैं, जो देखने पर सजीव प्रतीत होते हैं। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की अलौकिक पुरुषाकृति मूर्तियां विराजमान है, जिसका शिखर स्तूप कोणाकार है और तीन तलों में विभक्त है। इस मंदिर के चारों ओर जो नक्काशी की गई है, वे मुद्राएं कामुक हैं और काम वासना को दर्शाती हैं। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के नरेश नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थापत्य अनुपात दोषों से रहित एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला वैभव एवं मानवीय निष्ठा का सौहार्दपूर्ण संगम है। मंदिर की प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्पाकृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक हैं, जो सहस्रों शिल्प आकृतियों, भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानवों, वादकों, प्रेमी युगलों, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी हुई हैं। इस मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली में हुआ है। दोस्तों, यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं के लिए भी जाना जाता है। इस प्रकार की आकृतियां मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इस आकृतियों को विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय से संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। हजारों मानव, पशु एवं दिव्य लोग
इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं। इस स्थान के पवित्र तीर्थ होने का उल्लेख कई पुराणों और संहिताओं में मिलता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार कृष्ण और जामवंती के पुत्र श्याम अत्यंत सुंदर थे। स्त्रियों के साथ उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देखकर बिना कुछ सोचे श्री कृष्ण ने उन्हें कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्याम ने उनसे क्षमा मांगी तो भगवान ने अपने पुत्र को कोणार्क जाकर सूर्य की आराधना करने का आदेश दिया। आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। स्नान के दौरान उन्हें कमल पत्र पर सूर्य की मूर्ति दिखाई पड़ी। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस तरह उन्हें अपने पिता श्री कृष्ण के शाप से मुक्ति मिल गई। पुराणों में इस सूर्य मूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोणादित्य के नाम से किया गया है। ऐसी मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन चंद्रभागा नदी में शाम को वह मूर्ति मिली थी, इसलिए हर साल शुक्ल पक्ष सप्तमी को लोग वहां सूर्यदेव का पूजन करने आते हैं। दोस्तों, महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है कि कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इस मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों, इस मंदिर की कामुक मुद्राओं की शिल्प आकृति देखते ही बनती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। दोस्तों, इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी को ही देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मंदिर को बनाने में कितनी मेहनत की गई होगी, यहाँ के कलाकारों ने कितना मेहनत किया होगा, तब कहीं जाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए सही समय नवंबर से मार्च के बीच है। यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो भुवनेश्वर में स्थित है, जहाँ से मंदिर की दूरी 60 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन पुरी है, जहां से मंदिर की दूरी 35 किलोमीटर है। दोस्तों, बाय रोड आने के लिए आपको बस, टैक्सी और ऑटो की सुविधा 24 घंटा मंदिर तक आने के लिए उपलब्ध है।